जंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। युवा अधिवक्ता संघ से अध्यक्ष नितिन वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोरोना काल में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा हेतु जो कि हॉस्पिटल सुरक्षा और आम पर आमजन की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, सेवा गिलाफ, सैनिटाइजर, फेस मास्क आदि दिए गए हैं। इस अवसर पर रेंज कार्यालय पर पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा रेंज श्रीमान नवीन अरोरा, पुलिस अधीक्षक नगर श्री रोहन पी बोत्रे उपस्थित रहे। इस अवसर पर आईजी रेंज महोदय ने युवा अधिवक्ता संघ के मंडल अध्यक्ष से कहा है कि आगरा में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि युवा अधिवक्ताओं ने आगे बढ़कर समाज में नई मिसाल पेश की है। पुलिस फोर्स के लिए यह सामग्री इसलिए भी उपयोगी है कि जब हम बिना मास्क किसी का चालन करें तो उसे चालन करने के बाद ग्लव्स एवं सैनिटाइजर दें। नितिन वर्मा ने आईजी जोन से आग्रह किया कि रेंज में किसी भी थाने में यदि अधिवक्ता अपनी व्यक्तिगत समस्या लेकर पहुंचे तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि अधिवक्ता उनके परिजनों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक नगर महोदय ने समस्त युवा अधिवक्ता संघ का धन्यवाद दिया। वाईके सिटी न्यूज से संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट, आगरा से। सबसे पहले तो मैं युवा अधिवक्ता संघ को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं भी दूंगा कि वो एक ऐसे पुनीत काम में पुलिस के साथ जुड़े हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग हमारा मुख्य उद्देश्य है जिस पर लगातार आगरा रेंज पुलिस काम कर रही है, और जनरली अधिवक्ता संघ का मैंने कम ही जगहों पर देखा है कि इतने फोर्थकमिंग है, आगे आकर काम कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए भी जुड़ रहे हैं। मुझे बातचीत में ये भी जानकारी हुई कि पिछले वर्ष भी उन्होंने कोरोना के समय में काफ़ी सैनिटाइजर्स का वितरण किया है, और आज भी उनके द्वारा 2500 हैंड ग्लव्स हैं, 2500 मास्क हैं और 600 बॉटल सैनिटाइजर्स पुलिस को दिए गए हैं, और उनके इस पहल के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनको आश्वस्त भी करते हैं कि इनका प्रयोग हम नीडी लोगों के लिए करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि जब हम चालान वगैरह करते हैं, जो गरीब हैं जिनके पास इन सब के लिए आर्थिक संसाधन नहीं है, उनको हम बांटते भी रहें, वितरण इनका करते रहें, और पुलिसकर्मी जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगातार फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं थाने में, चौकियों में, इनका हम वितरण करें ताकि वो इनको पहनकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और आपके चैनल से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे ही लोग सामने आते रहेंगे तो कोई कारण नहीं है कि भारत की जो अक्षुण्ण संस्कृति बनी हुई है और सेफ रहने का जो मादा है वो बना रहेगा, और बहुत जल्दी ही हम इस बीमारी से पूरी तरह छुटकारा पाएंगे। नितिन वर्मा एडवोकेट, मंडल अध्यक्ष, युवा अधिवक्ता संघ। आज हमारे युवा अधिवक्ता संघ के द्वारा संरक्षक श्री सुनील शर्मा जी के साथ, हमारे अरुण तिरिया एडवोकेट भैया के साथ, संजय शर्मा जी के साथ, मनीष शर्मा जी के साथ, पूरे युवा अधिवक्ता संघ ने कम्युनिटी पुलिसिंग को देखते हुए जो कि आईजी सर ने शुरुआत की है, निडी लोगों के लिए सही जगह पे ये चीज़ें जो पहुंच पाएँ, मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स हमारे फोर्स के लिए दिए गए हैं, जिसमें कि लगभग 2500 ग्लव्स हैं, 2500 N95 मास्क है और लगभग 600 सैनिटाइजर है 200 ml। हमारा उद्देश्य यह है कि जो फ्रंट लाइन पे हमारे पुलिस के साथी चौराहों पे और जगह जगह, और कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स पे, पैथोलॉजी लैब पे जहाँ लाइन लगी है, जहाँ भीड़ भाड़ हुई है, वहाँ प्रॉपर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के आप सभी साथियों की तरह अपना फर्ज निभाया है, तो उनको सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। हम अधिवक्ता हैं, समाज में हमारा एक नैतिक दायित्व है कि हम समाज के लिए कुछ करें, पे बैक टू सोसाइटी वाला हमारा रोल होना चाहिए, उसी के अंतर्गत आज हमने ये दिया है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये महामारी कभी लौट के ना आए, लेकिन सब इसमें सुरक्षित रहें, यही हमारा उद्देश्य है।